दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों मैंने अभी तक 8 से 10 ऐसे पेपर बैग मैन्युफैक्चर को देखा है जो मैनुअल पेपर बैग बना के और दूसरों के यहाँ पेपर बैग को प्रिंट करा के अपने ठेले के जरिए अपने तैयार बैग को अपने कस्टमर के पास पहुँचाते थे। और दोस्तों आज उनके पास उनकी खुद की अच्छी फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक पेपर बैग मशीन और अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं। दोस्तों उन्होंने 5 से 6 साल में अपने पेपर बैग के बिजनेस को अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो है बट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उससे कहीं ज्यादा है। आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। दोस्तों प्लास्टिक बैन होने के कारण पेपर बैग्स काफी ज्यादा यूज होने लगे हैं। आजकल मॉल्स, हॉस्पिटल्स, गारमेंट शॉप, स्वीट शॉप, फूड रेस्टोरेंट या और भी दूसरी जगह पे पेपर बैग का यूज काफी मात्रा में होने लगा। गाँव से ज्यादा शहरों में इसका यूज होता है। दोस्तों ये बैग जितनी आसानी से मैन्युफैक्चर होते हैं बिकते उतने ही महंगे हैं। दोस्तों आने वाले समय में प्लास्टिक बैग्स के यूज बिल्कुल बंद हो जाने वाले हैं और इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ये देखने में काफी खूबसूरत और इको फ्रेंडली होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि हम कैसे अपना खुद का पेपर बैग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे पेपर बैग्स बना सकते हैं, कैसे अपने तैयार माल को बेच सकते हैं, कितनी लागत आएगी और हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। पेपर बैग वातावरण को शुद्ध रखने में काफी सहायक है। बड़े बड़े ब्रांड भी आजकल पेपर बैग्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। पेपर बैग्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आराम से कहीं भी फिट हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पेपर बैग्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये बैग्स प्लास्टिक के मुकाबले काफी बेहतर है और इन बैग्स की खासियत ये है कि इन्हें आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। दोस्तों पेपर बैग का बिजनेस करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस जगह पे अपने पेपर बैग्स की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं वो जगह मार्केट के आसपास हो, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ ट्रक, टेम्पो और दूसरी गाड़ियाँ आसानी से आ जा सके और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और लेबर की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो तो आपको अपना एक साइलेंट जेनसेट भी खरीदना पड़ेगा। दोस्तों पेपर बैग का बिजनेस के लिए 2-3 तरह की मशीन आती है, जैसे कि सीट फेड या रोल फेड। सीट फेड वो मशीन होती है जिसके जरिए मशीन के एक सिरे में पेपर की सीट्स रख दी जाती है और हमें जिस साइज के बैग बनानी हो उस साइज की सेटिंग कर देनी होती है मशीन में, और मशीन अपने आप उस साइज के बैग्स तैयार कर देती है। छोटे बैग्स तैयार करने के लिए सीट फेड मशीन काफी अच्छी होती है और रोल फेड मशीन में हमें पेपर का रोल लगाना होता है जिसके जरिए मशीन पेपर के रोल से पेपर बैग्स बना देती है। ये मशीन सीट फेड के कंपैरिजन तेज होती है और उससे ज्यादा प्रोडक्शन देती है, बट सीट फेड से थोड़ी महंगी भी होती है। दोस्तों इन मशीन की ट्रेनिंग आप जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो अपना एक इंजीनियर आपके पास भेज देंगे जो आपके मशीन के इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपके ऑपरेटर को इसकी ट्रेनिंग भी दे देगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप प्रिंटिंग मशीन भी लगाना चाहते हैं तो आपको एक फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन भी खरीदनी पड़ेगी जिसके जरिए आप अपने पेपर पे कस्टमर के डिजाइन को प्रिंट कर सकते हैं। बट बेहतर होगा दोस्तों कि शुरुआत में आप प्रिंटिंग कहीं बाहर से करा ले, क्योंकि ये मशीन थोड़ी महंगी आती है और इसके लिए आपको कलर और प्रिंटिंग की अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, या फिर आप 2 या 3 कलर की प्रिंटिंग वाली पेपर बैग मशीन भी ले सकते हैं। ये मशीन नॉर्मल पेपर बैग मशीन से थोड़ी महंगी आती है। वैसे नॉर्मल पेपर बैग मशीन 1 घंटे में 7,000 से 8,000 पेपर बैग का प्रोडक्शन बड़ी आसानी से कर देती है। दोस्तों पेपर बैग मेकिंग मशीन का प्राइस अभी बाजार में 3 लाख से 20 लाख रुपए तक है। दोस्तों पेपर बैग मेकिंग मशीन के साथ साथ आपको 2-3 छोटी छोटी मशीन की और जरूरत पड़ेगी, जैसे रॉक मेकिंग मशीन जिसके जरिए आप अपने बैग्स के हैंडल बनाएंगे, उसके अलावा आईलेट मशीन और कटिंग मशीन जो बैग में आईलेट लगाने के या फिर बैग के लिए सीट्स काटने के काम में आएगी। दोस्तों
पेपर बैग मेकिंग मशीन के सप्लायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। दोस्तों पेपर बैग को तैयार करने के लिए मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो क्राफ्ट पेपर ही होता है, व्हाइट क्राफ्ट और ब्राउन क्राफ्ट। आप पेपर की सीट्स या फिर पेपर के रोल खरीद सकते हैं। पेपर का प्राइस उसके जीएसएम के अनुसार बढ़ता और कम होता रहता है। पेपर बैग के लिए नॉर्मली 100 जीएसएम से 350 जीएसएम के पेपर लगते हैं और आपको इतने जीएसएम का पेपर 40 से 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। बड़े बड़े शहरों में आपको इसके बहुत से वेयर हाउस भी मिल जाएंगे। वैसे बहुत से पेपर मिल रहे हैं जो केवल पेपर का ही रोल मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे आईटीसी, खन्ना पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल इत्यादि। दोस्तों बैग का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा और इन साइज के हिसाब से आप अपने पेपर रोल या पेपर शीट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए इंक्स और चिपकाने के लिए ग्लू की भी जरूरत पड़ेगी और पैक करने के लिए कुछ पैकिंग मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे प्लास्टिक की पन्नी या फिर रैपिंग रोल्स। दोस्तों पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन के जरिए काफी आसानी से हो जाता है। आप एक ऑपरेटर और एक हेल्पर के जरिए इस मशीन के द्वारा बड़ी आसानी से पेपर बैग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप मशीन खरीदने के पहले इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें। हमें मशीन को बस चलाने आना चाहिए, उसके बाद बाकी का सारा काम ये मशीन खुद कर देती है। हमें मशीन में पेपर बैग के साइज की सेटिंग करनी होती है और फिर मशीन के एक सिरे पे पेपर रोल को लगा देना होता है। वैसे प्रिंटेड बैग बनाने के लिए हमें रोल प्रिंट करा के मशीन में लगाना होता है और फिर ये मशीन उस साइज के बैग बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद उस बैग को हम हैंडल लगा के 100, 500 या 1000 का पैकेट बना बेचने के लिए भेज सकते हैं। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें जिस साइज का बैग बनाना हो उस साइज के हिसाब से ही पेपर रोल ऑर्डर करें या फिर स्टैंडर्ड साइज के ही पेपर रोल खरीदे, जैसे कि 715 mm, 760 mm, 804 mm विड्थ में। इससे हमारा पेपर का वेस्टेज कम आएगा। वैसे बिजनेस शुरू करने के बाद आप रॉ मटेरियल्स कैलकुलेशन अच्छे से सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है तो आप बैंक से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ। पेपर बैग बिजनेस में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जैसे पहला फिक्स कैपिटल जिसके अंदर लैंड, मशीनरी और अन्य सारे खर्चे आते हैं और इसके लिए आप बैंक में टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल जिसके अंदर आपके दूसरे खर्चे आते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे। और आप इसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन यानी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को काफी बढ़ावा दे रही है, इसलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत आप लोन के लिए भी अप्लाई कर लोन पा सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आरओसी के अंतर्गत कराना होगा। आप इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको खुद को उद्योग आधार में भी रजिस्टर कराना होगा और ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा। इसके अलावा जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बीआईएस सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप शहर में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन और फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेना पड़ेगा। दोस्तों आप चाहें तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपको ये सारा रजिस्ट्रेशन करा के देंगे। दोस्तों हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, इससे हमें सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ लोन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई एक आदमी सिर्फ मार्केटिंग का काम संभाले और अलग अलग जगहों पे जैसे कि मॉल्स, बेकरी शॉप, चप्पल शॉप, जनरल स्टोर, रिटेल आउटलेट, गारमेंट शॉप या फिर होटल रेस्टोरेंट में घूम घूम के आप पेपर बैग की क्वालिटी का प्रचार कर। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को indiamart.com, tradeindiasulekha.com या फिर येलो पेजेस पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। आप सोशल मीडिया के यूज अपने पेपर बैग के प्रमोशन के लिए भी कर सकते हैं। ये काफी सस्ते होते हैं और इनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आप इंडियामार्ट के जरिए पेपर बैग डीलर से कॉन्टेक्ट कर अपने माल उन्हें बेच भी सकते हैं। दोस्तों हमारा बिजनेस को शुरू करने का खर्चा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए के आसपास आएगा अगर हम ऑटोमेटिक मशीन से शुरुआत करते हैं तो, जिसमें हमारा फिक्स कैपिटल 6 लाख के आसपास होगा और वर्किंग कैपिटल 4 से 5 लाख के आसपास होगा। इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बिजनेस की शुरुआत मैनुअल सेट लगा के करें और कुछ कस्टमर पहले बनाएं, फिर मार्केट की डिमांड को समझते हुए अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के अपने बिजनेस को आगे ले जाएं और ज्यादा
ज्यादा मुनाफा कमाए। दोस्तों अगर इस वीडियो पर लाइक्स अच्छे आएंगे तो हम घर पे पेपर बैग का मैनुअल सेटअप कैसे बना सकते हैं कम खर्चे में, उसका भी वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों अब इसके प्रॉफिट रिपोर्ट को समझते हैं कि हम इस बिजनेस से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा एक पेपर बैग बनाने का कॉस्ट 2.5 रुपए से 3.5 रुपए तक आता है सारे खर्चों को मिला के, और यही बैग हम मार्केट में 3.5 रुपए से 10 रुपए तक बेच सकते हैं। वैसे अगर हम एक पेपर बैग पे 10 पैसे का प्रॉफिट भी रखते हैं तो इस मशीन के जरिए हम हर मिनट 60 से 120 पेपर बैग बना सकते हैं। उस हिसाब से हम 1 घंटे में 3600 पेपर बैग बना सकते हैं और 8 घंटे में 28,800, जिसका 10 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट एक दिन का 2,880 रुपए हुआ और महीने का प्रॉफिट 74,880 रुपए हुआ। दोस्तों अगर हम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखें, सारी मशीन का यूटिलाइज करें और मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करें तो हम 1 से 2 साल में अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे और अपनी मेहनत के दम पे अपने बिजनेस को काफी आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वैसे बड़ा मुश्किल होता है किसी एक बिजनेस को एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा पाना, इसलिए आपका अगर कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास।